ERO का बाहर वाला प्री फिल्टर, ठीक है। इसमें ये कैंडल डाली अंदर, उसके बाद में ये केमिकल की गोली, ये ढक्कन कसा, ये टाइट कर, दिख रहा है। ये आ रहा है एसएमपी सप्लाई, ये पंप और ये एसवी सोलेनाइड वाल। सबसे पहले जो टंकी से पानी आएगा वो ऊपर वाले पाइप में इनलेट वाल में जुड़ेगा। यहाँ से एक प्री फिल्टर है, ये प्री फिल्टर है। इस प्री फिल्टर के सेडिमेंट फिल्टर बोलते हैं इसको। सबसे पहले सेडिमेंट फिल्टर के एक पोर्शन में जुड़ जाएगा। सेडिमेंट फिल्टर का ऊपर वाला जो पार्ट है वो कार्बन फिल्टर में जुड़ेगा। ये कार्बन फिल्टर है, इस कार्बन फिल्टर के ऊपर वाले पार्ट में जुड़ेगा। अब कार्बन फिल्टर का नीचे वाला पार्ट है, ये एसवी है, इसके नंबर है 036। 24 वोल्ट, 36 वोल्ट दो प्रकार की आती है। ये इसमें जुड़ गया। अब एसवी का जो आउटपुट है वो पंप में जाएगा। पंप का ये वाला जो पाइप है उस पर एरो के निशान बने रहते हैं, इनपुट और आउटपुट, तो इनपुट वाले पे जाएगा। ये मेम्ब्रेन की हाउसिंग है, इसमें ये मेम्ब्रेन डलती है। जो पंप से आउटपुट आएगा वो मेम्ब्रेन के हाउसिंग के ऊपर वाले पोर्ट में आएगा। तो मेम्ब्रेन के नीचे इन दो है आउटपुट में, एक ऊपर दिख रहा है, एक थोड़ा सा नीचे। जो ऊपर वाला पार्ट है वो एफ आर में जुड़ेगा। ये एफ आर है जो पानी के फ्लो को रोकता है, कम करता है। और जो नीचे वाला पार्ट है वो वापस दूसरा कार्बन फिल्टर है, उसमें जुड़ेगा। ये मेम्ब्रेन, ये फ्लोटिंग वाल है जो टैंक भरते ही बंद कर देता आरओ को। ये दोनों फिल्टर यहाँ लग गए। ये मेम्ब्रेन, अब मेम्ब्रेन के दो पाइप है। ऊपर जो दिख रहा है इसमें एफ आर जुड़ जाएगा, और नीचे दिख रहा है इसमें कार्बन फिल्टर। कार्बन फिल्टर में यहाँ जुड़ा। अब ये जो कार्बन फिल्टर का लास्ट सिरा है, ये आपका 100% प्योर वाटर जो पानी के टैंक में चला जाएगा। ये प्री फिल्टर है जो पानी के टंकी में से जो पानी आएगा सबसे पहले इसमें आएगा। इसका आउटपुट, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। टंकी में से पानी इसमें आएगा, इसका आउटपुट आरओ के ऊपर वाले पोर्ट में जाएगा। यहाँ से सेडिमेंट फिल्टर में, फिर कार्बन फिल्टर, फिर मेम्ब्रेन, फिर वापस कार्बन फिल्टर, और उसके बाद में 100% प्योर वाटर। और जो डिस्चार्ज लाइन है वो नीचे वाली होती है, इसमें रिजेक्शन वाला पानी जाएगा। ये मेम्ब्रेन है, इसको जब ही लगाना जब आपको आरओ ऑन करना हो। अगर ये पैकिंग खुलती है तो ख़राब हो जाती है, इसलिए लास्ट में लगाना है इसको।